हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आप लोग के लिए रक्त संबंधित, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। जितने भी आपके ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, रक्त संबंध से ब्लड रिलेशन वाले सारे प्रश्नों को क्लियर कर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आगामी कोई भी एग्जाम देंगे तो आप लोगों को रक्त संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को नोट करते चलना है और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, आराम से समझेंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा वो लोग बिल्कुल ध्यान से दोबारा वीडियो देखेंगे या स्क्रीन शॉट करके रख लेंगे। देखिए, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, ठीक है। जगत, आपका जगत ये क्या बोला गया, प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, जगत का चाचा कौन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब इसको समझना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उनका बेसिक अच्छे से तैयार होगा। यहाँ पे सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जिनका बेसिक भी नहीं तैयार होगा उनको भी आसानी से बहुत ही समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है पहले वो समझेंगे, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चीज़ें करते हुए चलेंगे। प्रश्न सबसे पहले क्या कह रहा है, राम श्याम का भाई है, ठीक है, राम श्याम का भाई है। मान लीजिए आपका ये कौन सा है, श्याम है, ठीक है। श्याम यहाँ हो गया और ये कौन हो गया, आपका राम, ठीक है। राम श्याम का भाई है, आपका जो राम है वो श्याम का भाई है, ठीक है। ये आपका ये भाई है, ये भाई मतलब प्लस राम जो है श्याम का भाई है, प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया, महेश राम का पिता है। महेश जो है यहाँ पर ये इसका क्या है, पिता है, ये ऊपर हो गया, ठीक है, ठीक है, ऊपर कर दिया, पिता हो गया। आप देखिए फिर क्या बोला गया, जगत प्रिया का भाई और प्रिया श्याम की पुत्री है। देखिए, श्याम की पुत्री कौन है, प्रिया है, यहाँ आ गई, ये नीचे है, ठीक है। यहाँ से हल करेंगे, जहाँ से प्रश्न समझ में आए उसको छोड़ के आगे से हल करेंगे। जैसे यहाँ बोला गया था, ये जगत लिखा गया है, जगत प्रिया का भाई है। अब जगत कहीं नहीं दिख रहा ना, तो प्रिया दिख रही, तो यहाँ से देखें, प्रिया श्याम की पुत्री है, प्रिया जो है श्याम की पुत्री हो गई, और क्या है, जगत प्रिया का भाई है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, जगत, ये क्या है, प्रिया का भाई है, ठीक है। अब क्या बोला गया, श्याम की पुत्री है प्रिया को, ये तो लिख दिए, जगत का चाचा कौन है, तो जगत का चाचा कौन हो गया। देखिए, जब प्रिया का भाई जगत है तो प्रिया का पिता कौन है, श्याम है, तो जब श्याम का पिता, ठीक है, मतलब प्रिया का पिता श्याम है तो जगत का भी पिता श्याम होगा, तो बचा एक ही, तो इसका चाचा कौन है, राम है, मतलब जगत का चाचा कौन है, राम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार और समझेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आप लोग इसको दोबारा से समझिएगा। देखिए, बोला क्या गया था, राम श्याम का भाई है, ठीक है, राम आपका एक श्याम है और दूसरा कौन है, राम है, ठीक है, ये एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है, इसका मतलब महेश राम का पिता है, तो ये महेश ऊपर हो जाएगा, राम का पिता है। फिर क्या बोला, जगत प्रिया का भाई है, लेकिन हमको नहीं यहाँ से कुछ बन रहा, तो आगे से देखेंगे, और प्रिया श्याम की पुत्री है, तो श्याम की पुत्री कौन हो जाएगी, प्रिया, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्रिया, और जगत प्रिया का भाई है तो ये जगत हो गया। अब देखिए, ये प्रिया का पिता श्याम है तो जगत का पिता भी श्याम है, तो इसका चाचा कौन बने, प्रिया, और जगत के पिता राम बने, तो राम आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझिएगा। अगर ये प्रश्न समझ ले रहे, एक बात आप लोग बताने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ कि जब प्रश्न नहीं समझ में आता तो एक ही आपको तरीका है, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और दूसरा नंबर आपको क्या करना है, ठीक है, पहला नंबर स्क्रीन शॉट, दूसरा नंबर क्या है, ये जितने भी आपके रक्त संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अपने ऊपर सोचिए, ठीक है, अपने रिलेशन में सोचिए। आप वहाँ पे राम को बोला गया तो वहाँ पे आप अपने आप को रख के देखिए, चाहे आप गर्ल्स हों या बॉय हों, आप वहाँ पे रख के देखिए, आपको मात्र बोलना 2 सेकंड से ज़्यादा प्रश्नों में नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तब देखिए, इसको समझेंगे। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप लोगों को डाउट जो है क्लियर हो कर देंगे, और नहीं समझ में आता तो आप अपने ऊपर सोचिए। देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे समझिए, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, ठीक है, आप मान लीजिए
ये आपकी शिल्पा हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक आपके कपिल हैं, दोनों को बना दिए, ठीक है, शिल्पा हो गई और ये कपिल हो गए, ठीक है। ये लेडीज हैं और ये बॉय हैं, जितने मेल रहते प्लस रहता, ठीक, ठीक है। उनकी माता का भाई, किनकी माता का भाई, ध्यान से समझिएगा, नहीं गलत कर देंगे। उनकी माता का भाई, देखिए कपिल को बताते हुए शिल्पा कह रही है उनकी माता का भाई, किसकी माता का भाई, कपिल के, तो कपिल का माता का भाई तो क्या होगा, उसका मामा बनेगा, ठीक है। यहाँ से समझिए, कपिल की माता का भाई उसका मामा बनेगा, तो मान लीजिए इसका मामा यहाँ पे है, एम से लिख देते हैं, ये इसका कौन है, मामा है, ठीक है, मामा। अब समझिए, अब आगे क्या बोला गया है, अब मेरे पुत्र आशीष का पिता है, मेरे पुत्र किसका पुत्र होगा, यहाँ समझिएगा, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र मतलब शिल्पा के पुत्र, शिल्पा के पुत्र का क्या नाम है, आशीष, ठीक है, और वो क्या है, उसका पिता है, ध्यान समझिए, जो कपिल का मामा है, ठीक है, जो कपिल का मामा है वो शिल्पा के पुत्र का पिता है, शिल्पा का पहले पुत्र यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसके क्या लिखेंगे, इसके पीछे लिखेंगे पुत्र, ठीक है। शिल्पा के पुत्र का पिता कौन है, ये है, ये इसका पिता है, मतलब ये इसका आशीष जो है, ये पी जो है ये आशीष है, ठीक है, पुत्र मतलब यहाँ पे आशीष है, ये इसका बेटा है, और इसका बेटे का पिता कौन है, इसके मामा है कपिल के। अब देखिए कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, आप एक बात बताइए, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता होगा, जब कपिल का मामा यहाँ पे है और ये इसका लड़का है और ये इसकी पत्नी हो गई, तो इसका संबंध क्या होगा, ये इसके मामा हुए तो ये इसकी क्या हो गई, मामी हो गई, तो आपस में इन दोनों का क्या संबंध हुआ, भतीजा या भांजा का संबंध हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर से समझिए, एक बार और समझिए, कई बार बताऊँगा आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, कपिल को बताते हुए, ठीक है, ये शिल्पा है, ये कपिल है, ठीक है, क्या बोला गया, उनकी माता का भाई, किनकी, कपिल के माता का भाई, जैसे आपकी माता का भाई क्या लगेगा, आपका मामा लगेगा, ठीक है, आपके माता का भाई, अपने ऊपर देखिए, अपने ऊपर सोचिए, जब ना समझ में आए कोई भी लाइन, उनकी माता का भाई मतलब उनकी माता का भाई, कपिल के माता का भाई मतलब आपकी माता का भाई क्या लगेगा, आपका मामा, यहाँ पे मामा हो गया, ठीक है, ये मामा आ गया, ये मेल है। क्या बोला गया, मेरे पुत्र आशीष, किसका पुत्र, शिल्पा का पुत्र, उसका क्या नाम है, आशीष, ठीक है, मेरे पुत्र आशीष का पिता है, कौन पिता है, ये जो इसका मामा है कपिल का। देखिए जब ये आशीष का पिता कपिल का मामा है और ये आशीष जो शिल्पा का बेटा है, तो ये आपस में पति पत्नी हुए, शिल्पा और ये इसके मामा कपिल के पति पत्नी हुए, तो ये कौन सा बच गया, जब इसके ये मामा है, ये इसकी मामी है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, भतीजा या भांजा का संबंध होगा। बहुत कन्फ्यूजन है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आपको एक ही तरीका है, जब भी आपको रक्त संबंधित प्रश्न ना समझ में आए, आप अपने ऊपर सोचिए, कपिल की जगह अपने आप को रखिए, ठीक है, शिल्पा की जगह आप किसी और को रिलेशन में रख लीजिए, आपको सेकेंडों में प्रश्न आ जाएगा। लेकिन जब आपको ना समझ में आए, अगर आपको समझ में आता है तो आप बना के करते हैं और अच्छा है, लेकिन अगर एग्जाम में बैठे नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्रश्नों को अपने ऊपर पूरा से फॉलो करिए, कभी भी रक्त संबंधित प्रश्न आए तो आप सेकेंडों में हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझेंगे। और आप लोग बताना चाहता हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है, क्योंकि जो प्रश्न मैं कराता हूँ और कराए गए हैं, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम देकर आएंगे, आपको पता होगा कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, कि यहाँ से अगर 4 प्रश्न कराऊँगा तो 4 एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, 5 कराऊँगा तो 5 ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, ठीक है, किसने कहा, विनोद ने कहा, या मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। देखिए कभी भी जब प्रश्न पढ़ते हैं, आप हो या मैं हूँ, कोई हो, तो नहीं समझ में आता कि प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन समझ में कब आता है, जब हम बनाना चालू करते हैं इसका आरेख, तो सेकंडों में, चुटकियों में हल हो जाता है। देखिए समझेंगे कैसे, अब एक बात मानिए, एक फ़ोटो के ओर इशारा करते हुए विनोद कह रहा, कौन कह रहा है, एक विनोद है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए वो विनोद है। अब विनोद कह रहा है, विनोद क्या कह रहा है, यह मेरी पत्नी, मान लीजिए उसकी ये क्या है, वाइफ है, ठीक है, ये इसकी पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी हो गई, ये विनोद हो गया, ये प्लस में, ये माइनस में, क्योंकि लेडीज़ को हमेशा माइनस करेंगे। या मेरी पत्नी की माता, देखिए पत्नी की माता मतलब इसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, इसकी वाइफ की माता, ठीक है, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री मतलब यही हो गई, ठीक है, यही हो गई इसकी बीबी,
एकमात्र पुत्री की पुत्री मतलब इसकी एक पुत्री है, कौन है वो नीचे है, ठीक है, ये माइनस है, ये भी माइनस था क्योंकि माता माता है सारी। तो अब देखिए विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंधित है, तो क्या संबंधित हुआ विनोद इस लड़की से क्या संबंधित हुआ, देखिए जब विनोद इसका पति है और ये जो ये पुत्री है ये इसकी बेटी है तो ये इसका कौन सा हो गया, पिता हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। समझे नहीं समझे फिर से समझिए, देखिए एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए विनोद की जगह आप हैं, ठीक है, आप इशारा कर रहे हैं यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं, आप फ़ोटो की ओर इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी वाइफ है, ठीक है, ये आपकी वाइफ है, तो आपकी जो वाइफ है आपकी पत्नी की माता, यहाँ पर वो उसकी पत्नी की माता है, ठीक है, ये माता है, ठीक है, और माता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री मतलब आपकी वाइफ हुई, और उसकी भी एक पुत्री है, आपके वाइफ की भी एक पुत्री है, तो ये नीचे हो गई, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच क्या रिश्ता हुआ, ये तो इसका पति हो गया, ठीक है, तो ये इसका पति हो गया, तो ये इसका पिता होगा नीचे इस लड़की का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगर आप हमेशा अपने ऊपर सोच के चलेंगे तो आप कभी भी रक्त संबंधित प्रश्नों को सेकेंडों में हल करेंगे और कभी आप फंसेंगे भी नहीं, लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ वो अगर फॉलो करते हैं तो, ठीक है, आप समझेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जब पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो समझ जाइए इन प्रश्नों पे आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इस टाइप के प्रश्नों को 101% आपको दिया जाता है, कोई भी एग्जाम होगा, देखिए रेलवे में तो खास कर दिया जाता है। समझे प्रश्न को, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलती नहीं करना है, प्रश्नों को जो बताऊंगा वो पूरा करते जाइएगा, सेकेंडों में आंसर होगा। ए बी की पत्नी है, ठीक है, ए जो है बी की पत्नी है, एक ए हो गई, ठीक है, आपका एक कौन हो गया, बी हो गया, ये पति पत्नी है, लेकिन पति कौन है पत्नी कौन है ये समझना है। ए बी की पत्नी है, ए क्या है, ये पत्नी है, लेडीज है, तो ये प्लस हो जाएगा, पति पत्नी है कि डबल, आपको डबल संबंध इसको दर्शाते हैं, ठीक है, समझ गए। डी ए का भाई है, ठीक है, डी जो है ए का भाई कौन है, डी है, यहाँ पे ये इसका भाई हो गया, ठीक है, ये इसका भाई हो गया, ठीक है, ये प्लस में होगा, डी ए का भाई है, डी ए का भाई, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। देखिए यहाँ से नहीं समझ में आ रहा ना, पूरा नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पी तथा क्यू कहीं से संबंधित नहीं जुड़ रहा, आगे देखिए पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ठीक है, जो कि डी की पत्नी है, कौन डी की पत्नी, जो कि मतलब जहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ, मतलब लास्ट वाला शब्द, जो कि डी की पत्नी है, इससे पहले इसके पहले कौन सा है, ई है, ई मतलब क्या है, डी की पत्नी है, ठीक है, डी की पत्नी कौन है, ये ई है, ठीक है, ये एक रिलेशन और बन गया, ये इसकी क्या है, पत्नी है, तो ये आपस में क्या हुए, पति पत्नी। अब यहाँ से फिर से पढ़िए, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ये आपका जो पी और क्यू, ये यहाँ पे पी हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे पी होगा और यहाँ पे क्यू, ये इसके क्या हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है। अब पूरा संबंध बन गया, पूरा बन गया, अब क्या बोला गया है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू से, देखिए बी पुरुष है, आपका क्यू से बोला गया है, क्यू से बोला गया है, देखिए ये तो इसका पिता होगा, ये तो इसकी माता हो गई, अगर बी से बोला गया ये पुरुष है तो क्या संबंधित हो सकता है, पिता का तो हो नहीं सकता क्योंकि पिता डी है, ठीक है, ससुर भी नहीं हो सकता, कजन भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, अंकल होगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। लेकिन नहीं समझ में आया फिर से समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताऊंगा, लेकिन समझा के आप लोगों को जरूर छोड़ूंगा। देखिए फिर से समझिए, ए ठीक है, क्या बोला गया, ए ठीक है, ए है, बी की पत्नी है, ठीक है, बी क्या है, पुरुष है, ये क्या है, माइनस है, ठीक है, ए बी की पत्नी, डी ए का भाई है, यहाँ पे डी आ गया, ये ए का भाई है, ठीक, भाई है तो क्या, प्लस, यहाँ डबल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसका भाई का संबंध है, एक ही आपको तीर से संबंधित करेंगे। अब यहाँ देखिए पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, आगे पढ़ेंगे, जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है, जो कि मतलब इससे पहले जो अक्षर आया, ई, ई क्या है, डी की पत्नी है, तो ये हमारा क्या हो गई, ये ई हो गई, ठीक है, ई जो है हमारा क्या है, ई जो है, फिर से समझिएगा, अच्छे से बना दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे कौन है, ई है, ठीक है, ई कौन है, ये हमारी डी की पत्नी है, ये माइनस में। आप देखिए यहाँ समझिए, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे एक पी है और यहाँ पे एक क्यू है, मतलब ये दो इसके बच्चे, ना तो पता इस बच्चों में कौन लड़की है कौन लड़का है, लेकिन प्रश्न से संबंधित हमको करना है।
बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? ये क्यू है और ये बी है, इनके बीच क्या संबंधित है? अंकल का, मतलब इसके अंकल से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कंटेंट दे रहा हूँ, आप में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऐसे प्रश्नों को एनालिसिस करते हैं, हल करते हैं। अगर वो कोई टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं तो जब ऐसे प्रश्न उनके सामने आता है तो स्किप भी कर देते हैं, एग्जाम में भी स्किप करके चले आते हैं। फिर ऐसे प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता। अगर आप सिंपल प्रश्नों को करते रहेंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही प्रश्नों पर आप अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़िए। देखो जो प्रश्न आपको समझ में आता है तो आप वो बार बार मत करिए, जो नहीं समझ में आता उसको स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करके दिन में 2-3 बार देख लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, यही आप लोग एक फार्मूला है अच्छे से समझने का। और आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न है जो एडवांस मैथ हमने कराया था, और जिन्होंने एडवांस मैथ नहीं देखा है, एडवांस मैथ के मैं ट्रिक के साथ सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ आज तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग एक बार वो प्लेलिस्ट जाके जरूर देखिए एग्जाम से पहले पहले, जितना भी एग्जाम होने वाला है, ताकि आप लोग बहुत ही हेल्प मिले। क्योंकि आप लोग कभी कभी ऐसे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बड़े बड़े, लेकिन छोटे टाइप के जब प्रिंट पूछे जाते हैं तो उसके लिए ना तो आप लोग भूल जाते हैं, ना तो फार्मूला याद रखता है, ना तो ट्रिक। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। आज का सेशन कैसे लगा आप लोग लाइक करिएगा तो पता चलेगा सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत एक जेन्युइन कंटेंट देते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में सारे प्रश्न आपको सेम टू सेम सारे प्रश्नों को देखने को मिलें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।